बीमार मालिक के पास इस हाल में मिली पालतू बिल्ली। लोगों ने उनकी मदद। 14 साल की कैलिको को जब एनिमल रेस्क्यू टीम ने बचाया था तब उसकी हालत काफी खराब थी। पेंसिल्वेनिया के पिट्सबर्ग में मौजूद एनिमल रेस्क्यू लीग शेल्टर और वाइल्ड लाइफ सेंटर ने जब इस बिल्ली को देखा तो पहली नजर में उसे पहचान पाना भी मुश्किल था। ऑक्टोपस की तरह लगा था दिखने। कैलिको के मालिक अल्माइजर से पीड़ित थे, इस वजह से वो कैलिको का ध्यान नहीं रख पाते थे। उनके एक दूर के रिश्तेदार पेट्रोशल को जब पता चला कि उनकी मौत हो गई है तो उन्होंने एनिमल रेस्क्यू टीम को बताया कि उनके रिलेटिव के पास दो बिल्लियां भी हैं जो आप अकेले रह रही होंगी। उन्होंने टीम से उनकी देखभाल करने की रिक्वेस्ट की। जब टीम मेंबर के घर पहुंचे तो उन्होंने वहां एक बिल्ली को देखा। दूसरी बिल्ली को ढूंढने के क्रम में उनकी नजर बेड के नीचे अजीबोगरीब चीज पर पड़ी। फ्लैशलाइट से देखने पर लोगों को लगा कि बिल्ली किसी चादर से लिपटी पड़ी है, लेकिन जब उसे बाहर निकाला गया तो सब हैरान हो गए। दरअसल कैलिको की बॉडी पर लंबे बाल थे जो उसे ऑक्टोपस की तरह लुक दे रहा था। अगर टीम समय पर दोनों बिल्लियों को नहीं बचाती तो उनकी मौत हो जाती। डरी हुई थी बिल्लियां। टीम ने जब दोनों को बचाया तो उस वक्त दोनों काफी डरी हुई थी। रेस्क्यू टीम दोनों को सेंटर लेकर आए और उन्होंने कैलिको के बाल सेव किए। थोड़ी देखभाल के बाद दोनों ही बिल्लियों की हालत बेहतर हो गई। आज दोनों अपने नए मालिक के साथ खुश हैं।